शराब के साथ अगर हम दवाओं का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी आ सकते हैं, जानेंगे संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शराब का सेवन अगर कोई करता है और उसके साथ साथ कोई बीमारी हो गई है और वो उसकी दवा लेगा तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ऐसी कौन कौन सी दवाएं होती हैं जिनके लिए हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि हमें उसके साथ अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जो अल्कोहल यानी कि शराब होती है ये भी हमारे CNS यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करने का काम करती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड को फ्रीली यानी कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स कर देती है, जिस कंडीशन में बेसिकली हमें कोई सूझबूझ नहीं होती है, क्योंकि हमें नशा हो जाता है जब हम शराब का सेवन करते हैं जिसमें हम कुछ भी काम करने के योग्य नहीं होते हैं। सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है कि जो भी मेडिसिन हमारे ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए यूज की जाती हैं, चाहे वो एंटी एंजाइटी की ड्रग हैं या फिर वो एंटी एपिलेप्टिक हैं, मतलब कि हमारे दिमाग से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए अगर किसी भी दवा का हम सेवन करते हैं, हमारे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें उन दवाओं के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी बन जाते हैं, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, ऐसी नौबत भी आ जाती है। दूसरा कि जो मेडिसिन हम अपनी स्लीप इंड्यूस या स्लीप सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि जो दवाइयां हम बेसिकली अपनी नींद को ठीक करने के लिए, चाहे नींद को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए या नींद को घटाना है तो उसके लिए जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमें शराब का सेवन नहीं करना है। जैसे ड्रग का एग्जाम्पल आता है लोराट्रेडिन, कार्बामेज़ेपिन एटसेट्रा, तो जब भी हम इन दवाओं को ले रहे होते हैं तो इसके साथ हमें अल्कोहल नहीं लेना है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो उसके साथ हमें ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त हमें समझ नहीं होती है कि हम कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे अपनी जान को तो खतरा होगा ही होगा, हम सामने वाले की जान पर और खतरा बना देंगे, तो इस चीज को हमेशा अवॉइड करना है। तीसरा, जो मेडिसिन हम डायरिया के लिए, जब हमें दस्त लग जाते हैं उस कंडीशन में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, तब हमें बेसिकली अल्कोहल शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसी नौबत आ सकती है कि और कंडीशन बिगड़ जाए, जो हमें डायरिया जो दस्त लगे हैं उसमें बेसिकली और दिक्कत का सामना हमें करना पड़े जब अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे। जैसे दवाइयां आती हैं हमारी मेट्रोनिडाजोल, ऑर्निडाजोल या फिर टिडिनाजोल एटसेट्रा, इस काइंड की, इस तरीके की जो भी दवाएं होती हैं उनका हमें जो है बेसिकली खासकर ध्यान रखना है कि अगर हम ये दवाइयां लेते हैं तो उसके साथ हमें अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, जो दवाइयां बेसिकली हम कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे सर आपने तो सामने पिज्जा की इमेज दिखाई है, भाई जो ये पिज्जा होता है इससे हमारा क्या काम होता है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अब जैसे हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए दवाइयां लेते हैं, अटॉरवास्टाटिन, रोजुवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन एटसेट्रा, जितनी भी हमारी स्टैटिन कैटेगरीज की ड्रग होती हैं जो हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए लेते हैं, तो उन दवाओं के साथ भी हमें अल्कोहल शराब का सेवन नहीं करना होता है। जो दवाइयां हम बेसिकली अपने खून को पतला करने के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी हमें शराब का सेवन नहीं करना होता है। जैसे दवाइयां होती हैं, हेपरिन होती है, वारफरिन होती है, तो ये क्या काम करती हैं, हमारे खून को जमने नहीं देती हैं। तो जब हम बेसिकली ब्लड थिनर्स लेते हैं उस टाइम पर हमें अल्कोहल का सेवन नहीं करना होता है। साथ ही साथ जो हम दवाइयां अपने बीपी को ठीक करने के लिए लेते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए जिन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ भी हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि हम अपना क्या करें कि अल्कोहल का सेवन ना करें। ब्लड प्रेशर में अगर हमारा बीपी घटता जा रहा है, ठीक है, ऊपर से हमने अल्कोहल का कंजप्शन और कर लिया, शराब भी पी ली, तो बीपी और ज्यादा डाउन होगा हमारा, और ज्यादा घटेगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें और भी दिक्कतें होने का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ भी अल्कोहल सेवन नहीं करना होता है।
साथ ही साथ जैसे पैरासिटामोल होता है उसके साथ भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो सकती है आगे जाके, हमें बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो दवाइयां हम अपने स्टमक अपसेट के लिए या एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब पेट में एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है, एसिड बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, जलन होती है हमारे पेट में, छाती में अल्सर हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए, स्टमक को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां हम लेते हैं, चाहे हम जेलुसिल ही ले रहे हैं, चाहे हम डाइजीन ही ले रहे हैं, तो उनके साथ भी हमें बेसिकली सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि शराब का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर शराब का सेवन करेंगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है वो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए, उस दिक्कत का ज्यादा सामना और करना पड़ जाए। तो इसीलिए ध्यान दीजिए हमेशा, अगर आप शराब पीते हैं और कोई दवा आपकी डॉक्टर ने चलाई है, आपको कुछ दिक्कत हुई है, तो ध्यान दीजिए शराब को तुरंत छोड़ दीजिए जब तक आप ठीक ना हो जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ये कहूंगा कि शराब पीनी ही क्यों है, जो कि बेसिकली हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। शराब जितनी ज्यादा पिएंगे उतनी ज्यादा दिक्कतें हमारे शरीर में बनेंगी, शराब नहीं पिएंगे तो हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। कोई बीमारी हमको हो गई, दवाई चल रही है, ऊपर से हमने शराब को और पी लिया, तो उस बीमारी को हमने जो है और बिगाड़ दिया, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो इसीलिए शराब के साथ साथ तो हमें कभी भी दवा नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि when you are on medicines, then you should not consume alcohol, मतलब जब आप दवा ले रहे होते हैं, आपका medicines चल रहा होता है, तो आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि ऐसी कौन कौन सी प्रमुख मेडिसिंस हैं, डिजीजेस हैं, जहां पर हमें ध्यान देना होता है कि उसके साथ हमें अल्कोहल नहीं लेना है। आपको पता चला होगा कि शराब के साथ अगर हम दवाओं को लेते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में आपने बखूबी जाना। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।